Hi guys, कैसे हो आप सभी? I hope you all are doing very good. और welcome back to my channel, Have More with Usha. और आज मिलते हैं बहुत ही easy recipe के साथ आपसे. आप guess करिए ये क्या बनाया है. और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में recipe के साथ. So let's get into the video. टाइटल देख के आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं. और ये बहुत इजी रेसिपी है. और टाइटल देख के आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, लेकिन ये बहुत इजीली बनेगा और टेस्ट तो लाजवाब है इसका. तो चलिए बनाते हैं. और आप देख सकते हो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और उस पर एक स्टैंड लगा करके और उसे ढक दिया है प्री हीट करने के लिए. तो ये देसी जुगाड़ है अवन का. और मैंने लिया है एक कप, उसमें डालेंगे दो चम्मच, आधा चम्मच करीब विनेगर. विनेगर को उसको कर्डल होने के लिए छोड़ देंगे. और हाँ, इसमें हम दही बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे. साथ में लेंगे हम एक बाउल और उसमें डालेंगे 1.5 कप ऑफ मैदा. और आप इसको इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं पहले ऐड कर दूंगी और फिर इसमें जाएगा लास्ट में दूध. तो आप देख सकते हैं मैदा हमने ले लिया है और इसमें डालूंगी एक आधा कप करीब शुगर, ये देखिए. और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक. और इसको अच्छे से मिला लेंगे. मैं इसमें वनीला एसेंस का यूज़ नहीं कर रही हूँ और क्योंकि आपको मैं बताऊंगी बाद में, आप देखते रहिए. आप मैं ये इसको बहुत प्लेन ब्लैंड मतलब बना रही हूँ. आप चाहो तो ऐड कर सकते हो. तो इस तरह से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लें और साथ में थोड़ा थोड़ा जो हमने मिल्क और विनेगर का मिक्सचर बनाया था वो हम धीरे धीरे ऐड करके एक डायरेक्शन में इसे अच्छे से मिलाएंगे. और इसको अच्छे से मिलाना है साथ में. और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो लास्ट में हम थोड़ा सा 3 चम्मच करीब ऑयल यूज़ करेंगे. तो ये हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा. और फिर हम इसको देसी जुगाड़ वाला जो अवन हमने तैयार किया है उसमें इसको हम मतलब हीट होने के लिए मतलब बेक होने के लिए रख देंगे करीब 45 मिनट्स तक. और हम इसको एक बार भी खोलेंगे नहीं जब तक ये बनेगा नहीं. तो आप मेक श्योर करें आप 10 मिनट्स पहले अपने जो अवन है उसको मतलब प्री हीट कर लें. तो आप देख सकते हो कट एंड फोल्ड मेथड से मैं इसे मिला रही हूँ. और थोड़ा और दूध लगेगा जिस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाए. और ये केक जो है ना बहुत मॉइस्ट, बहुत सॉफ्ट बनती है. तो आप इसे मतलब आज बना रहे हो तो कल भी ये वैसा ही रहेगा. इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होगा. इसका टेस्ट बहुत टेस्टी होता है. अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया इस तरह से बनाने का तो जस्ट गिव इट अ ट्राई. बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. तो ये इस तरह से हमें मिलाना है. मैं इसीलिए इसको आपको दिखा रही हूँ कि हमें एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है एग्जैक्टली. तो आप इसको देखते हुए फॉलो करें. और मीनवाइल जब ये मैं इसको मिला रही हूँ तो साथ ही मैंने एक मतलब टिन ले लिया है, केक टिन, जिसमें भी आप इसको बेक करना चाहते हो उसको थोड़ा सा बटर लगा के मतलब उसको ग्रीस कर लिया है साथ ही में. तो इसको हमने मिलाने के बाद तुरंत केक टिन में ट्रांसफ़र करके बेक होने के लिए रख देना है करीब 45 मिनट्स तक. जब तक ये पक रहा होगा तो हम एक बनाएंगे सॉस. तो सॉस ही बहुत ज़्यादा टेस्ट मतलब इस रेसिपी में आएगा. तो वो सॉस कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो आप देख सकते हैं हमारा केक का बैटर अच्छे से बन गया है. थोड़ा सा और मिलाते हुए मैं इसे बेक होने के लिए रख दूंगी. बहुत इजी रेसिपी है. आप इसे ज़रूर ट्राई करें. आई एम श्योर आपकी फैमिली को और आपको ज़रूर पसंद आएगी. तो आपने ये ऐसे मिला लेना है बस. अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे.
ये ग्रीस टेक केक टिन है और इसमें हम डाल देंगे हमारा बैटर। दो बार इसे टैप कर ले ताकि एयर बबल आउट हो जाए इसके, और बेक करने के लिए हम इसे रख देंगे। अगर आपके पास केक है तो आप ये सॉस बना करके इसे एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए हम अभी इसे बेक होने के लिए रख देंगे और हमारा जो ये अवन है कढ़ाई वाला, इसमें हम ये 10 मिनट से मतलब हीट हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से इसको ले लेगा। तो चलिए बनाते हैं हम सॉस। तो आप देख सकते हो एक मैंने सॉस पैन लिया हुआ है, उसमें डाला है 3-4 चम्मच शुगर और इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अच्छे से जब ये मेल्ट हो के कैरमलाइज हो जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 और 1.5 मिनट में ये बिल्कुल कैरमलाइज हो जाएगा। आपने इसे बस सिर्फ कलर लाने के लिए बनाना है, इसको जलाना नहीं है। आप इस पर इससे जब भी इसको बनाएं तो इसके पास ही खड़े रहें क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है और फिर ये सॉस ख़राब हो जाएगा, आपका बहुत ही कड़वा टेस्ट आएगा। सो मेक श्योर करें आप जब भी ये बनाएं तो जब आपको वो गोल्डन कलर की कंसिस्टेंसी दिखे तो उसी समय हम इसमें डाल देंगे दूध। तो इसे जलाना नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा बन गया है, तो इसी स्टेज में थोड़ा थोड़ा हम मिल्क ऐड करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो, और बहुत सावधानी से डालें क्योंकि ये ऊपर आ जाता है इस तरह से, और आप थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इसे बहुत अच्छे से कुक करना है। और कि यही है कि इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रूर, बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि चीनी मिल नहीं रहा है, बट ये मिल जाएगा। आप ग्रेजुअली आप मिलाते जाएँ इसे धीरे धीरे, तो ये बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही मैं डालूँगी 5 to 6 कार्डमम पॉड्स, इसलिए मैंने मतलब जो हमारा केक है उसमें मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला, तो क्योंकि मैं इसके ऊपर ये सॉस डाल के इसको एंजॉय करने वाली हूँ। तो साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा शुगर। शुगर डालते ही ये और थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है बिकॉज शुगर मेल्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से शुगर को ऐड करें और इसे मिलाते जाएं। कार्डमम्स 5 to 6 लिया है, आप बाद में इसे डिस्कार्ड कर सकते हो। आप देख सकते हो कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। इसे मिलाने में इसे चलाते रहना है बिल्कुल, और साइड में जो मलाई लग जाती है उसे स्क्रेप आउट करके फिर से इसको मिलाते जाए। तो इसको बनाने में करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं, बट दिस टाइम ये जो हम टाइम इसको देते हैं बट वर्थ है कि ये बहुत टेस्टी होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो सॉस है वो बन रही है, और थोड़ा देर हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पे भी निकाल सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। तो धीरे 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 ये गाढ़ा हो जाएगा और इसे हम थोड़ा सा मतलब ठंडा होने के लिए, ठंडा इन द सेंस हमें इसे वॉर्म ही रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। तो ये बन के तैयार हो जाएगा सॉस। आपने जो कार्डमम के पॉड्स डाले हैं उसको लास्ट में आप निकाल सकते हो, या फिर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और द सेम प्रोसेस आप इसमें ऐड करके इंस्टेड ऑफ कार्डमम आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो कभी अगर ट्राई नहीं किया तो वैसे ट्राई करके देखिएगा। मैंने यूज़ किया कार्डमम फ्लेवर का, ये कैरमल मिल्क सॉस बहुत टेस्टी होता है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो ये बन के तैयार हो गया है, और मैं इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी। मीनवाइल हमारा केक भी तैयार हो गया है, देख सकते हो आप मॉइस्ट है, और इसको हम ऐसे कट करके प्लेट में डाल देंगे और साथ में डालेंगे जो हमारा बहुत डिलीशियस सॉस है, ऊपर से इसको डालें और इंजॉय करें। थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, जो नाइफ लिया है उसे थोड़ा सा पोक कर दूँगी ताकि जो सॉस है वो अंदर तक जाए, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा इसको खाने में। इस तरह से आप इसे घर पे बनाएं और खूब इंजॉय करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। आई एम श्योर आपको ये अच्छी लगी होगी, और आपसे मैं मिलती हूँ अगले
वीडियो के साथ, एक अलग रेसिपी के साथ। तब तक आप इसको बनाएं, घर पे एंजॉय करें, अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताएं कैसी बनी है। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलती हूँ, बाय बाय।